हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड स्वागत है सुबह का फिर से एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। गाइस, फाइनली हम टाउन हॉल 11 पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमारा नया सीरीज आपको पता है 120 डेज टाउन हॉल 11 मैक्स चैलेंज। और ये चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल होगा। कमेंट्स में तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट कोई बात नहीं, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे इस चीज़ को। एंड गाइस, फाइनली हमने टाउन हॉल 10 का चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया, थोड़ा डिले हो गया बट फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो चार लास्ट एयर सीकिंग माइंस बचे थे अकाउंट पे, जिनको हमने डन 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 कर दिया है। उसी के साथ हमारे सारे बिल्डिंग अपग्रेड जो है वो फिनिश हो चुके हैं, इसी के साथ लैब अपग्रेड्स तो पहले फिनिश हो चुके थे, हीरोज भी मैक्स हो चुके थे। तो अब बारी आती है इस वाले अकाउंट को, और इस अकाउंट को मैक्स करना जैसे मैंने बताया थोड़ा टफ होगा, बट कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट आपका प्यार रहेगा तो जरूर करेंगे। फटाफट गाइज लाइक कर दे इस वीडियो को, 1000 लाइक की एम होती है हमारे वीडियोस की। प्लीज गाइज थोड़ा सपोर्ट दिखाएं एंड सब्सक्राइब कर ले, हम लोग काफी करीब है 8000 सब्सक्राइबर्स के, तो आपका ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा तो मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज क्योंकि पहला एपिसोड है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड गाइड भी मैं आपको दूंगा कि अगर आप टाउन हॉल 10 से 11 जा रहे हो तो कौन सी चीजें आपको पहले इनिशियल अपग्रेड करने चाहिए और कौन से अपग्रेड्स आप थोड़ा वक्त लोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले हम प्रोग्रेस बेस में चलते हैं, जो प्रोग्रेस बेस मैंने सेट कर रखा है, और ये रहा हमारा प्रोग्रेस बेस। इसमें एक चीज और ऐड होगा, ये हमारा, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारा प्रोग्रेस बेस जो है वो रेडी है। तो यहाँ पे अपने प्रायोरिटीज को ऑलरेडी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है बॉटम सेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पे लैब है, यहाँ पे क्लैन कासल है, इन चीजों को हमने पहले एड्रेस करना है, फिर आर्मी कैंप्स आ जाएंगे और यहीं पे हमारे जो बैरक्स है वो भी हैं, क्योंकि जो बाद के ट्रूप्स हैं उनको भी जल्द से जल्द हमें लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए काम जो है वो शुरू करते हैं। स्टोरेजेस जो है वो हमारी भरी पड़ी है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे लैब, और यहाँ पे मैंने लैब को डाल दिया अपग्रेड पे। लैब जो है वो 2 दिन 17 घंटे का अपग्रेड है, तो कुछ ज्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है, इसके लिए हम वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्लैन कासल नेक्स्ट हमारा बड़ा अपग्रेड है, और ये थोड़ा सा लंबा अपग्रेड है। आप देख सकते हो 6 दिन 6 घंटे का अपग्रेड है, और यहाँ पे आपकी स्किल कैपेसिटी जो है एक बढ़ जाएगी। अब देखो इसका फंडा पता क्या है, अगर आप क्लैन कासल को अपग्रेड करके छोड़ देते हो, जैसे मैंने अभी अपग्रेड करके छोड़ दिया, तो मैं सारे चीज़ तो ले ही पाऊंगा, जैसे मैं ट्रूप्स तो सेम ले पाऊंगा, मैं स्पेल जो है वो एक कैपेसिटी ले पाऊंगा, बट वो ले पाऊंगा, उसी के साथ जो सीज मशीन है वो भी मैं ले पाऊंगा। मतलब ये अपग्रेड मेरे को कोई हैम्पर नहीं कर रहा है कि मैंने अपग्रेड रखा है तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे हीरोज के साथ होता है। अगर आप हीरोज को अपग्रेड पर रखते हो तो आपको हीरोज यूज नहीं करने आते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। बट क्लैन कासल के साथ ये कोई इशू नहीं है। लैब जो है वो बहुत छोटा अपग्रेड है 2 दिन का, तो उसके लिए हम वेट कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लैन कासल को तुरंत हैमर कर देते हैं या फिर बुक कर देते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वेस्ट है। आपको उसका जो तुरंत वैल्यू मिलेगा वो इतना बड़ा वैल्यू नहीं है कि आप उसके लिए ये चीज करो, ठीक है। तो दोनों को हम आराम से अपग्रेड होने देंगे। अब नेक्स्ट प्रायोरिटीज लिस्ट में जो हमारी है वो है हमारे स्टोरेजेस एंड आर्मी कैंप्स। अब देखो स्टोरेजेस का क्या है ना, स्टोरेजेस अगर आप बढ़ा दोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाओगे और आपके बड़े अपग्रेड्स आप लगा पाओगे, वहीं आपके आर्मी कैंप्स आपके ट्रूप कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स हैं, और इनके लिए आपको करना क्या है, जैसे मैं जो सीक्वेंस मैं हमेशा से यूज करता हूँ, दो बिल्डर्स जाएंगे आपके आर्मी कैंप्स में और 2 बिल्डर्स जाएंगे आपके स्टोरेजेस में। अभी के लिए फिलहाल मेरे पास 3 ही बिल्डर्स बचे हैं, एंड नए चीजें भी हमें लेनी है। नए चीजें के बारे में बात करें तो ग्रैंड वार्डन, ऑब्वियसली सबसे पहले ग्रैंड वार्डन हम लेंगे, तो ग्रैंड वार्डन को हमने लेके यहाँ पे प्लेस कर दिया है, क्योंकि नया हीरो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो फायर पावर है, आपका जो ऑफेंस पावर है वो बढ़ाएगा, तो नया हीरो आपको तुरंत ले लेना है। लेना इंपॉर्टेंट जो है वो इतना नहीं होता, क्योंकि बहुत ही चीप होता है, अपग्रेड करने में मुश्किल होता है, बट जब तक बूस्ट चल रहा है, जैसे कभी भी आप टाउन हॉल अपग्रेड करते हो तो जैसे यहाँ पे 5 दिन का बूस्ट मिला है, तो 5 दिन तक अपग्रेड करने की ऐसी खासी जरूरत नहीं है। 6 लेवल आपको मिल रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, आपके बाकी हीरोज भी 4-4, 5-5 लेवल बूस्ट पे रखे हुए हैं, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेंगे। अब जैसे मैंने बताया गाइस, स्टोरेजेस एंड उसी के साथ आर्मी कैंप्स, ये आपकी बड़ी प्रायोरिटीज हैं। उसी के साथ आपके बैरक्स, बैरक्स को क्या तुरंत अपग्रेड करें या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। तो अगर अपग्रेड की मैं बात करूं तो ये एक अपग्रेड जो है वो 7 दिन 12 घंटे का अपग्रेड है, ईडीज अनलॉक होगा, और यहां पे बात करूं तो 8 दिन का अपग्रेड है, आइस गोलम अनलॉक होगा। बट एक चीज अगर आप गौर करोगे गाइस, तो आपको इनको तुरंत जो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप इनको अपग्रेड करके छोड़ सकते हो, यहां पे आपको मैजिक आइटम्स डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब बहुत सारे अटैक स्ट्रेटजीज हैं जो आप इन दोनों ट्रूप्स के बगैर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉग माइनर्स करते हो, मतलब हाइब्रिड करते हो तो सही है, या फिर आप अगर ब्लिजर्ड के फॉर्मेशन में कोई अटैक करते हो, ब्लिजर्ड लालो हो गया या फिर ब्लिजर्ड ड्रैगन हो गया, तो भी आप कर सकते हो इनके बगैर भी। या फिर अगर आप ड्रैगन्स वगैरह करते हो, नॉर्मल जैप ड्रैगन्स या फिर रेज के साथ ड्रैगन्स, तो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। या फिर अगर आप क्वीन चार्ज का कोई आर्मी यूज करते हो, जैसे क्वीन चार्ज, अगर आप क्वीन चार्ज हॉग्स कर रहे हो या फिर क्वीन चार्ज लालो कर रहे हो, तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन ट्रूप्स की तुरंत,
तो यही मैं बोलूंगा कि तुरंत इनको करने की जरूरत नहीं है, इनको भी आप मैनुअल अपग्रेड ही करें, इन पे भी आप खर्च ना करें अपने मैजिक आइटम्स। और जहां पे आपको खर्च करना है बाय द वे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जहां पे सबसे पहले हम आ जाएंगे आर्मी कैंप्स के साथ एंड स्टोरेजेस के साथ। तो स्टोरेजेस में अभी मेरे पास काफी गोल्ड है, इसीलिए गोल्ड जो है वहां पे मैं यूज कर रहा हूं अपने स्टोरेजेस पे। तो दो स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया, दो स्टोरेज से ज्यादा आप अपग्रेड ना करें, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा बिल्डर्स अगर फंसा दोगे एक जगह में तो आपको दिक्कत होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा बिल्डर्स ना फंसाएं इन जगहों में। नए चीजों की बात करें तो ईगल आर्टिलरी आपको मिलता है टाउन 11 पे। अब ईगल भी एक ऐसा चीज है जो आपकी तुरंत प्रायोरिटी नहीं है, मतलब अगर आप चाहते हो, अगर आप वॉर वगैरह में हो तो ठीक है, या फिर अगर आप CWL काफी करीब है और अगर आप CWL खेलना चाहते हो तो भी ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक्सेप्टेबल है कि आपने ईगल आर्टिलरी जो है वो लगा दिया। और ईगल आर्टिलरी लगाना ही काफ़ी है, आप उसको वॉर में ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो फिनिश होना चाहिए। तो वहाँ पे भी अगर आप चाहो तो ईगल निकाल सकते हो, बट उसमें भी एक इशू है कि ईगल को आप बिल्डर्स के साथ डालोगे तुरंत तो वो आपका बिल्डर ब्लॉक कर देगा, तो वो एक इशू है। तो इसीलिए इस इशू को अगर आप एड्रेस करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो फाइनल बिल्डर है उससे दो काम करो। एक तो है आप उसको फ्री रख दो, थोड़े वॉल्स करते रहो, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो दिन जाएंगे आपके स्टोरेजेस में, यहाँ पे अगर आप बात करो लैब पे दो दिन जा रहा है, दो दिन 17 घंटे के आसपास जा रहा है, और क्लाइंट का साल एक थोड़ा बड़ा अपग्रेड है तो उस पर थोड़ा वक्त जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ईगल भी फंसा देते हो तो आपके सारे बिल्डर्स ब्लॉक हो जाते हैं और आपके रिसोर्स जो है वो थोड़े वेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, थोड़े दिनों के लिए आप जो वॉल्स है वो करते रहो गोल्ड से, जब तक आपका गोल्ड जो है वो वेस्ट ना हो, और उसके बाद जब आपके इनिशियल जो चीज़ें हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ईगल लगा सकते हो। तो ये मेरा सजेशन है ईगल के मामले में। नाउ अगर आपके पास, जैसे अगर आप गोल्ड पास वगैरह परचेस कर रहे हो और आपके पास बहुत लूट है, मतलब इतना लूट है कि वेस्ट हो रहा है, तब आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको अपने बुक्स एंड आपके हैमर्स यूज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप मजबूर हो, इतने लूट तो आप वेस्ट होने दोगे नहीं। तो क्या करो, एक बात, अगर आपका बिल्डर फ्री है तो आप गोल्ड एंड एलिक्सिर दोनों से आपके वॉल्स अपग्रेड कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं वॉल से ही सारा चीज़ खत्म नहीं करना चाहता, मैं बिल्डिंग्स भी अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो जिन बिल्डिंग्स को आप मैजिक आइटम्स यूज़ करोगे उनमें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आप आर्मी कैंप्स को बिल्डिंग मतलब बुक्स या फिर हैमर्स करो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप आर्मी कैंप्स के साथ नहीं जाना चाहते हो तो एक ऑप्शन आपके पास ईगल है, ईगल को करो, या फिर क्लैन कासल अगर आप इमीडिएट करना चाहते हो तो वो भी एक ऑप्शन है। मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप मजबूर हो, अगर आपके पास मैजिक आइटम्स ज़्यादा हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वक्त नहीं है, आपके रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, तो वो एक अल्टरनेटिव है। तो उनको हम नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वीन जो है वो मेरी 41 की चली जाएगी, तो यहाँ पे मैंने क्वीन को डाल दिया और बुक से फिनिश कर लिया। और दूसरा बुक मुझे यहाँ पे अवेलेबल है, एंड काफ़ी सारे और भी रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे डार्क उठा लिया है, यहाँ पे थोड़ा कैपिटल गोल्ड, यहाँ पे थोड़ा एलिक्सिर है, यहाँ पे थोड़ा गोल्ड है, गोल्ड तो ऑलरेडी है मेरे पास, थोड़ा सा और डार्क है, और ये तो बिल्डर बेस के थोड़े रिसोर्सेस हो गए, या फिर हीरो पोशन है। हीरो पोशन हमारा काम आएगा क्योंकि हम इनिशियल टाइम पे आ रहे हैं, तो हीरोज़ को मैक्स अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो थोड़ी बात काम आ सकता है, इसीलिए अभी उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, रखेंगे। एंड थोड़ी देर पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि क्वीन को अनफॉर्चुनेटली मैं अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लूट उठाने के बाद मैं बिंदास क्वीन को अपग्रेड कर सकता हूं। एक लेवल और हमने यहां पे अपग्रेड कर लिया है, क्वीन अब हमारी 42 की हो चुकी है, और धीरे धीरे हम बहुत जल्द 50 लेवल पहुंच जाएंगे। अब क्लैन गेम्स के सीजन के रिवॉर्ड्स भी पड़े हुए हैं, अगर आप देखोगे रिवॉर्ड्स तो काफी अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, और ये एनिवर्सरी का सीजन था तो इसीलिए रिवॉर्ड ज्यादा है। अगर आप बात करो जो लास्ट वाले दो रोज हैं जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक आइटम्स होते हैं, एक मैं यहाँ पे बुक ऑफ एवरीथिंग उठाऊंगा और एक मैं डार्क एलिक्सिर का रून उठाऊंगा, बट अभी फिलहाल मैं रून उठा नहीं सकता क्योंकि एक ऑलरेडी रून है, तो 6 दिन है अभी, इतना हड़बड़ी वाला कोई सीन नहीं है, अभी रहने देते हैं, बाद में इसको उठाएंगे। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ बिल्डर पोशंस पड़े हुए हैं, 6 बिल्डर पोशंस पड़े हुए हैं जिनको हम यूज करेंगे, तो हमारे बिल्डर जो है वो और जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो वो एक अच्छी बात रही हमारे लिए। बट अभी फिलहाल हमारे पास काफी जो रिसोर्स पड़ा है गोल्ड एलिक्सिर, इसको हम कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे ही, तो कहां यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मेरे पास एक ही बिल्डर फ्री है तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा अपग्रेड करूं जहां पे रिसोर्स भी ज्यादा जाए और मेरा काम भी अच्छा हो। तो सबसे पहले कुछ वॉल्स अपग्रेड कर लेते हैं, यहां पे गोल्ड से एंड एलिक्सिर से दोनों चीजों से थोड़े से वॉल्स अपग्रेड कर लेते हैं। एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि 4-4 या फिर 5-5 जो वॉल्स है वो अपग्रेड कर लूं। तो गाइस जो लूट कार्ड हमने सेव किया था उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहां पे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैं वॉल्स अपग्रेड कर रहा हूँ विथ यूजिंग द गोल्ड एंड द एलिक्सिर, क्योंकि अब है तो इसको कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा ना, और मैं नहीं चाहता कि अब मेरा लूट कार्ड जो है वो इतने दिनों से पड़ा रह रहा है तो ऐसे ही पड़ा रहे। तो यहाँ पे मैंने और थोड़े से कर लिए हैं और इसको हम उठाएंगे यहाँ पे जब तक कि हमारे थोड़े से और वॉल्स ना हो जाए। तो इतने सारे वॉल्स होते हुए देखने में मजा काफी आता है, और आज पहला ही वीडियो है और पहले ही वीडियो में हमने इतने सारे वॉल्स अपग्रेड कर लिए, तो वॉल्स तो हमें सताने वाला है नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वो इशू मेरा कभी भी नहीं होता है। जो इशू होता है वो ऑब्वियसली लैब होता है,
और जो डिफेंस बिल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि हीरोज भी हम कर लेंगे और वॉल्स तो हम भाई बहुत जल्दी कर लेंगे, बट देखते हैं कि कितना हमें ये सताएगा। तो फिलहाल हमने सारा का सारा लूट काट उठा लिया है। अब अच्छी बात यह है कि डार्क स्टोरेज हमारा अपग्रेड नहीं होगा, जो मैं पहले सोच रहा था कि डार्क स्टोरेज भी मेरा एक प्रायोरिटी रहेगा, बट वो तो अपग्रेड होगा ही नहीं। दो स्टोरेज हमने ऑलरेडी अपग्रेड कर लिए हैं अपने एलिक्सिर वाले, तो वो भी हमारे इस साइड आ जाएंगे। एंड एक जो हमारा अब फाइनल बचा रह गया है वो हमारा आर्मी कैंप में जाएगा, बट आर्मी कैंप में डालने से पहले हम थोड़े से गोल्ड और इन्वेस्ट कर लेंगे कि जो गोल्ड है वो कोई बेकार में लूट के ना चला जाए। हमें बिल्डर पोशंस भी यूज़ करना है, तो बिल्डर पोशंस यूज़ करने से पहले हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे यूज़ कर लें। यहाँ पे एक आर्मी कैंप मैंने अपग्रेड पर डाल दिया है एंड उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इस साइड पर, और ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो सारे बिल्डर्स हमने बिजी कर दिए हैं, अभी भी बहुत कुछ है करने को, बट यही है ना कि पांचों बिल्डर्स जो है हमारे बिजी हो चुके हैं, तो उसके बाद हम क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे हम जो अपने पोशंस पड़े हैं उनको यूज कर लेते हैं। तीन मैंने पोशंस यहाँ पे यूज किए हैं, चार पोशन में यूज कर लूंगा, और आई थिंक मुझे सारे पोशंस यूज़ कर लेने चाहिए। तो मैंने छः के छः पोशंस यूज़ कर लिए। अब कुछ बिल्डिंग्स जो है वो काफ़ी जल्दी अपग्रेड हो जाएंगे, जैसे ये स्टोरेजेस जो हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे आज ही पोशंस यूज़ करने के बाद। एंड ये जो जो हमारा लैब है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। एंड उसी के साथ मैं अगर देखूँ तो ओके, ये दो तो मेरे प्रायोरिटी में है, बट अभी तक हमने उनको अपग्रेड किया नहीं है, तो मैं इनको अभी फिलहाल इस साइड ही रहने देता हूँ, बट ये भी मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है और बहुत जल्द अपग्रेड करूँगा मैं इनको, ठीक है। तो ये रहा फिलहाल गाइस, सबसे पहले आके आपको अपना लैब, अपना क्लैन कासल, अपने आर्मी कैंप, स्टोरेजेस, और हो सके तो अपने स्पेल फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे तो स्पेल फैक्ट्री का ऑप्शन में अगर देखूँ तो यहाँ पे इनविजिबिलिटी स्पेल मेरा अनलॉक होगा, वो एक अच्छा स्पेल है, बट अभी के लिए फिलहाल मैं उसे यूज़ नहीं करूँगा, तो कुछ टाइम बाद हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं। एंड डार्क स्टोरेज की डार्क स्पेल फैक्ट्री की बात करूँ तो वो तो अपग्रेड नहीं होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उसके लिए मुझे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है थोड़ा लेखा झोंका, देखते हैं आने वाले एपिसोड्स और इंटरेस्टिंग होंगे। आज तो पहला एपिसोड था और पहले एपिसोड में हमने काफ़ी काम किया, बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं, और क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड्स लेने हैं, उनको इन्वेस्ट करना है, तो आने वाले वीडियोस धमाल होने वाली है गाइज। ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज एंड प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और ऑसम वीडियोस के लिए। एंड एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।